वहाँ पर जो आम का तोहफा भेजा था उनका वापस कर देना पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती है, इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है। और ये जो वजह बताई गई है वो तो यही है जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है और फिर वहाँ पर क्वारंटाइन के जो पूरे हैं जो एहतियात बरतनी चाहिए वो शायद नहीं बरती गई है, या फिर वहाँ से आम का जो इम्पोर्ट है क्योंकि उसमें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो पूरे तरीका जो अपनाना चाहिए वो शायद नहीं अपनाया गया है, तो इसीलिए भेजा गया है, वापस भेजा गया है। जय हिंद दोस्तों। दुनिया भर में पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता रहा है। कभी वह भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है तो कभी किसी दूसरे देश के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़ा जाता है। शक्तिशाली देशों के सामने खराब हो चुकी इमेज को सुधारने के लिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों को आम बेचकर लुभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी भी काम नहीं आ रही है। कोरोना महामारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने नई कूटनीति रणनीति तैयार की और अपने खास दोस्त चीन और अमेरिका पर इसे आजमाया, लेकिन दोनों देशों ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अपनी नई कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को अपने देश से तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है। हालांकि खुद उसके परम मित्र देश चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई है और दोनों देशों ने पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और चीन समेत 32 से अधिक देशों के प्रमुखों को तोहफे में आम भेजे थे, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने कोरोना वायरस क्वारंटाइन नियमों को हवाला देते हुए तोहफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की ओर से 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुख को आम भेजे गए थे। आमों की पेटी को ईरान, खाड़ी देशों, तुर्की, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और रूस भेजा गया था। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की इस सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति का भी नाम था, लेकिन पेरिस से पाकिस्तान के इरादे पर प्रक्रिया को नहीं दी है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया था। पाकिस्तान ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की तक की धमकी दे डाली थी। चीन और अमेरिका के अलावा कनाडा, नेपाल, मिस्र और श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू का क्वारंटाइन नियम का हवाला दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा भेजे जाने वाले आमों की किस्मों में पहले अनवर रतौल और सिंधारी किस्म में भी खेप का हिस्सा थी, लेकिन इस बार दोनों को हटा दिया गया है। पाकिस्तान भारत को भी आम भेजता था। 2015 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को भी आम भेजे थे। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। वैज्ञानिक रूप से इसे मैंगी फेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों का ही राष्ट्रीय फल है। भारत दुनिया में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है और 1200 से अधिक वैरायटी का उत्पादन करता है। भारत की तुलना में पाकिस्तान में 1/3 आम का उत्पादन होता है।